बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। अगर मैंने अपने शब्दों से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। भाजपा की लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले उन्होंने किसान आंदोलन में बलात्कार होने की बात कही, जिससे पार्टी ने किनारा कर लिया था। अब कंगना ने कहा है कि तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने का यही सही समय है। कंगना के इस बयान से बीजेपी ने तुरंत दूरी बना ली है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि यह कंगना का निजी बयान है और इससे पार्टी सहमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कंगना को ऐसा बयान देने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है और बीजेपी इस बयान की निंदा करती है। विपक्ष को चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नई संजीवनी मिल गई है, जिसके जरिए वोटर्स में किसान आंदोलन के घाव फिर से ताज़ा किए जा रहे हैं। आला कमान की फटकार और विवाद बढ़ता देख कंगना ने वीडियो जारी कर माफ़ी मांगी है। पहले आप भी देखें पूरी वीडियो। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. Thank you. खबर है कि इस बयान के बाद आला कमान की कंगना को जोरदार फटकार पड़ी है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर उन्हें बात करनी है तो अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में करें, नीतिगत मुद्दे पर नहीं। पार्टी ने कहा कि नीतिगत मामलों पर निर्णय शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाता है और कंगना को इन मामलों पर बोलने का अधिकार नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।